हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का है ना, सरल गणित जो है हम लोग 8.1 का ये क्वेश्चंस, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे एकदम सिंपल वे में, एकदम आराम से। जो मेथड है उसको, मेथड को हम लोग फॉलो करते हुए आज हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे हम लोग का फर्स्ट नंबर दिया है वाई प्लस 3 बराबर 10। सबसे पहले देखिए हम लोग इसको कंसेप्ट, कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी को समझते हैं कि बराबर के इधर आता है तो क्या होता है और कैसे। दस है तो 10 लिख देंगे। देखिए प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 3 लिख देंगे। यानी घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक नंबर क्लियर। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो दिया है हम लोग का 6x बराबर 12 दिया हुआ है। 6x बराबर 12 दिया हुआ है यानी गुना दिया है यहाँ पे, तो गुना जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यानी x बराबर हम लोग का हो जाएगा 12, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 दूना 12। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग का चार नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 6 बराबर z प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि देखिए z है तो z का मान निकालना है, यानी 6 है तो 2 को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये z है तो z वैसे ही रहने देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी जेड बराबर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 4। जेड बराबर आ गया हम लोग का 4 आंसर। ठीक है, आइए फिर हम लोग देखते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन इसी का। तो पाँच नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है x माइनस का 2 बराबर 7 दिया है। ठीक है, अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो सिंपली हम लोग करेंगे x और 7 है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये भी हम लोग का मान निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका पाँच नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चंस देखिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर। देखिए पाँच हो गया, 6 नंबर में दिया है हम लोग का 17 प्लस 6p बराबर 9। ठीक है, तो 6p बराबर 9, 17 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए कोई भी अंक के सामने कुछ नहीं रहता है तो हम लोग प्लस मानते हैं। ठीक है, तो ये 17 को उधर भेज दिया, यानी 6p बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, यानी माइनस का 8 होगा, तो माइनस का 8 होगा, तो पी बराबर हम लोग का मान चाहिए तो माइनस का 8/6, यानी 2 3 6 और 2 4 8, यानी माइनस का 4/3 आ जाएगा हम लोग का पी का मान। पी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, t/5 है बराबर 10 है। तो देखिए t/5 है, t/5 का मतलब क्या होता है, भाग, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। तो t बराबर 10 गुना में 5 करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा, तो हम लोग का t का मान आ गया है, आंसर हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है क्या, कि 14y-8/13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 14y है तो 14y वैसे ही रहने देंगे, और ये 13 है उसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी 14y बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 यानी 21 हो जाएगा।
तो वाई का मान हम लोग को निकालना है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 बटा में क्या 14, तो कटा देंगे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, यानी वाई का मान हम लोग का आ जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ 3/2। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बता दें कि अलग बता दें, यहीं पे बता देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3/7 दिया है प्लस का एक्स दिया है, बराबर में दिया है हम लोग का 17/7, 17/7 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक से मिलाते जाइएगा, हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स है तो एक्स यहीं पर रहने दीजिए, 17/7 है तो 7, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 3/ क्या हो जाएगा 7। अब एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 − 3 यानी क्या हो जाएगा 14/7, यानी 7 × 14, तो ये एक्स का मान जो है हम लोग का कितना जाएगा 2। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चंस का 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया इस वीडियो में। ठीक है, इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप लोगों को और मोटिवेशन मिले, और हर एक वीडियो को एकदम सिंपल वे में बताने का प्रयास किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ये बस आप लोग याद रखिएगा, ये मेन फॉर्मूला है हम लोग का। ठीक है, ये अब याद रखिएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, गुना है तो उधर जाएगा तो भाग, भाग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, ऐसे इसको याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, चैनल को एकदम सपोर्ट करिए दोस्तों।